इज़ आवर टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटी मीनिंग एंड नेचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो जेंडर इनइक्वालिटी मीनिंग एंड नेचर, यानी कि लैंगिक असमानता, उसका मीनिंग, अर्थ एंड नेचर, उसकी प्रकृति। लैंगिक असमानता क्या होती है, किसे लैंगिक असमानता कहते हैं और उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इससे पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी के बारे में, असमानता के बारे में पढ़ाया था, और आज हम जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का एक प्रकार, टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता किन रूपों में हमारे समाज में एग्जिट है, किन रूपों में वो हमारे सामने एक समस्या के रूप में पाई जाती है। कास्ट इनइक्वालिटी एक इसका टाइप हमने पहले पढ़ लिया है, यानी कि जातिगत असमानता, जाति के आधार पर जो असमानता हमारे समाज में पाई जाती है उसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमारे समाज में जो लिंग के आधार पर असमानता, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और उस पे बेसिस जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी मीनिंग एंड नेचर इन अ सोसाइटी व्हेन वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दैन इन जनरल टर्म्स कॉल्ड इट जेंडर इनइक्वालिटी। जब समाज में पुरुष और स्त्रियों के बीच में भेदभाव, यानी कि जो उन्हें मिलने वाले अधिकार हैं और उनके प्रति जो व्यवहार किया जाता है, समाज में जो सोच होती है उसमें हमें डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसे ही हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी कि जो मेल और फीमेल को राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स डिफरेंट हैं, अलग अलग है। एक मेल को किसी और तरह से ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, उसके कंपेयर में एक फीमेल को दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बेसिकली उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता। तो जैसे हमने कास्ट इनइक्वालिटी की बात की थी, सेम वही जेंडर इनइक्वालिटी में भी है। बिफोर 90 द जेंडर इनइक्वालिटी आर अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, बट आफ्टर मैनी एफर्ट्स, आफ्टर एजुकेशन स्पेकुलेशंस, इन सब चीज़ों के बाद जो हमारे समाज में जेंडर इनइक्वालिटी है, लिंग के आधार पर जो असमानता है वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन वही है कास्ट इनइक्वालिटी की तरह ही कि पूरी तरह से अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, रिमूव हो गई है, तो ये ट्रू नहीं है। द टर्म जेंडर इनइक्वालिटी इज ब्रॉड टर्म, बायोलॉजिकल एंड सोशल टर्म। और जो बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी है, लैंगिक असमानता है, इसे दो टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, बायोलॉजिकल जैविकीय एंड सोशल सामाजिक, यानी कि दोनों ही आधार पर इसमें जो भेदभाव हैं, डिफरेंसेस हैं, वो देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जेंडर रेफर्स टू एन एक्सपर्ट कंपोजिशन दैट इंक्लूड सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसके अनुसार जो लिंग का तात्पर्य है एक विशेष जैविक रचना से होता है, जिसे बेसिकली हम बहुत सारे फिजिकल, शारीरिक एंड मेंटल कैरेक्टर, मानसिक विशेषताओं के आधार पर, निश्चित शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम एक जेंडर को डिफाइन करते हैं। इन दिस व्यू जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू दैट सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट ऑन कल्चर बेसिस गिव मैन एंड वुमेन एनीवन हैव मोर राइट्स इन प्रैक्टिकल फैमिली सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर कंसाइडिंग देम टू बी बेटर देन एनी अदर। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंगिक असमानता की सामाजिक मूल्यों के नज़रिए से, यानी कि हमारे सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनके बेस पर, उनके मानदंडों के बेस पर, तो सांस्कृतिक आधार पर स्त्रियों में पुरुषों में से जब किसी एक को ज़्यादा अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जो ये राइट्स हैं जो एक मैन को दिए हुए हैं कंपेयर देन वुमेन, वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके आधार पर जो डिफरेंसेस है उसे ही हम जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता कहते हैं। इसके बाद देयर आर मैनी ट्राइब्स इन विच मैन आर कंसाइडर्ड अंडर वुमेन। हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में जो जनजातियाँ होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, उनमें बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी भी हैं जिनके समाजों में जो एक वुमेन है उसे कंपेयर देन मैन, यानी कि स्त्री को आदमी के मुकाबले, पुरुष के मुकाबले ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, उसकी सत्ता चलती है। लेकिन फ्यू सम ट्राइब्स, नॉट ऑन मेन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड इन दिस सोसाइटी नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ मैन, और उस समाज में जिस ट्राइब की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे वो मैन को कंपेयर देन मैन मोर राइट्स होते हैं,
उसमें पुरुषों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपोजिट दिस मोस्टली सोसाइटी गिव मोर राइट्स ऑफ मैन कंपेयर देन वुमेन। इसके अलावा अगर हम विश्व के ज़्यादातर समाजों की बात करते हैं, विभिन्न समाजों के ज़्यादातर समाजों की बात करते हैं, तो उन समाजों में पुरुष को महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं और यही जेंडर इनइक्वालिटी का कारण बनता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोशोलॉजिकल जेंडर इनइक्वालिटी इज दैट कंडीशन दैट आर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल बेसिस ऑन 5 पॉइंट्स। इसके अलावा इसमें इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक नज़रिए से जो लैंगिक असमानता होती है, बेसिकली ये उन विशेष स्थितियों के आधार पर किया गया व्यवहार होता है जब मेल और फीमेल का जो होता है उनके बीच में, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, जो राइट्स होते हैं, जो उनके लिए बिहेवियर होता है, थिंकिंग होती है, उसके आधार पर बेसिकली ये जो क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस में हमें सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, जो जेंडर इनइक्वालिटी का रीज़न बनते हैं, कारण बनते हैं, वो मेन 5 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इन द डिसीजन ऑफ फैमिलियर एंड सोशल। सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में मेल और फीमेल की जो भूमिका होती है, यानी कि हमारे समाज में पारिवारिक और समाज से संबंधित जो डिसीजन होते हैं, उन डिसीजन को लेने में जब हम देखते हैं एक पुरुष को स्त्री के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्री की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन एंड वुमेन। सामाजिक प्रतिभा, यानी कि जो हमारे समाज में प्रतिक्रियाएं होती हैं, समाज में जो भूमिकाएं होती हैं, उसके जो अवसर होते हैं, उसमें वुमेन एंड मैन की क्या भूमिका, यानी कि मेल और फीमेल का कितना अवसर, उसमें देखते हैं कि एक मैन को, एक पुरुष को इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। थर्ड है फ्रीडम इन पर्सनल सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में मिलने वाली स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और यहाँ पे फीमेल्स के लिए अगर लिमिटेशंस होती है, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई उसमें क्राइटेरिया हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड रियल बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन। स्त्रियों के प्रति जो नज़रिया है और जो वास्तविक व्यवहार, यानी कि एक हम कहें कि हमारे यहाँ कानून है, हमने कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्सन्स आर इक्वल, नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम एनी जेंडर एनी अदर क्राइटेरिया। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ राइट्स ऑफ फीमेल इन पॉलिटिकल लाइफ। हमारे समाज में, राजनीतिक जीवन में जो स्त्रियों को मिलने वाले अधिकार हैं, उनकी लिमिटेशन, वो सीमित है, यानी कि राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के जो अधिकार हैं, उनके लिए जो थिंकिंग है, उनकी लिमिटेशंस हैं, जबकि मेल के लिए इस तरह का कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिट होते हैं, और इनके आधार पर ही हमारी सोसाइटी में जो आप कहेंगे कि इनइक्वालिटी बिटवीन टू फैक्टर्स मेल एंड फीमेल्स के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट वन एंड एंड फ्यू मुस्लिम कंट्रीज दैट लॉ फॉर कंट्रीज इन फेवर ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड मैन विदाउट कंसाइडिंग एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम विश्व का विश्लेषण करते हैं, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो असमानता पाई जाती है, जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में, तो हम ये देखते हैं कि अगर कुछ मुस्लिम देशों को छोड़ दें, उनके अलावा ज़्यादातर जो देश हैं, उन देशों का कानून जो है वो बात करता है पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार देने के, उनके बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन करने में वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सेकेंडली, इन प्रैक्टिस देयर इज़ नो कंट्री इन विच द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इज़ कम्प्लीटली इक्वल टू दैट ऑफ मैन। और इसी पक्ष को अगर हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि हाँ भाई, कानून कहता है कि बोथ जेंडर मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन एवरी स्फीयर, बट जब वास्तविकता देखते हैं तो वास्तविकता होती है कि जो फीमेल है, वुमेन है, उसे कंपेयर देन मेल बहुत एक आप कहेंगे कि कंप्लीट इक्वल, मतलब उसे पूर्ण रूप से पुरुष के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, उसे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। द मोर ट्रेडिशनल एंड अनएजुकेटेड द क्लास और कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी द मोर एब्यूजिंग वुमेन आर ट्रीटेड। और इसे हम जितने ज़्यादा पारंपरिक और अशिक्षित समाज में देखेंगे, आपको ये डिस्क्रिमिनेशन औरतों के प्रति जो नज़रिया है, जो एक कहेंगे कि नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक सोच है, वो उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी।
तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी इन आवर वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बेसिकली हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे बहुत के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे इसे ख़त्म करने के लिए। बेसिकली बात तो की जाती है कि बहुत जेंडर आर इक्वल मेल एंड फीमेल ऑल्सो, बट इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम इसका रियल एस्पेक्ट देखते हैं, तो हम पाते हैं कि दिस इज़ नॉट ट्रू। एंड टूडे ऑल्सो दैट टाइम दैट वी आर, आप कहेंगे कि हमसे वी आर लिविंग इन एज ऑफ साइंस, जब हम विज्ञान के रूप में रहें तो आपको बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे बिलीव्स आज भी ऐसे मिल जाएंगे कि वो महिलाओं का आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, महिलाओं के प्रति जो उनका सोच है, जो उनका व्यवहार है, जो क्राइटेरिया आज भी आपको हजारों वर्ष पीछे का देखने को मिलेगा, जो कि औरतों की जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें से एक मेन समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो इससे आगे हम जेंडर इनइक्वालिटी के कॉजेज, उसका सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।